दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हैरान करने वाला इंटरव्यू लिया है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये आपको इस इंटरव्यू के बारे में बताते हैं जिसे देखने के बाद सभी लोग एकदम हैरान से रह गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्टर अक्षय कुमार ने एक प्रसिद्ध न्यूज एजेंसी ANI के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया है जो कि काफी वायरल भी हो रहा है। लेकिन आप यहां सोचेंगे कि अक्षय कुमार को पीएम मोदी का इंटरव्यू लेने की क्या नौबत आ गई थी, क्योंकि ना तो वह कोई जर्नलिस्ट हैं और ना ही उनका न्यूज एजेंसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कारण हो सकता है कि 2019 लोकसभा चुनाव से एकदम पहले अक्षय कुमार को पीएम मोदी का यह इंटरव्यू लेना पड़ा? तो आइए दोस्तों आपको इसके बारे में बताते हैं। यह इंटरव्यू किसी भी प्रकार का राजनीतिक इंटरव्यू नहीं था। इंटरव्यू लेते समय खुद अक्षय कुमार भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि वह उस इंटरव्यू में पीएम मोदी से सिर्फ निजी जिंदगी के बारे में ही सवाल पूछेंगे। लेकिन जब आप खुद भी इंटरव्यू को ध्यान से देखोगे तो सुनोगे और आपको भी लगेगा कि शायद अक्षय कुमार खुद भी इस इंटरव्यू को करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि अक्षय कुमार हमेशा ही अपने आप को राजनीति से दूर रखने में यकीन रखते हैं और कभी भी किसी पार्टी या नेता की तरफ को अपनी टिप्पणी नहीं करते। खबरों की माने तो यह इंटरव्यू अक्षय कुमार को मजबूरन लेना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव से पहले अपनी लाइफ की स्टोरी लोगों के सामने इंटरेस्टिंग तरीके से रखना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अक्षय कुमार को इस कार्य के लिए चुना ताकि लोग इस इंटरव्यू को दिलचस्प तरीके से भी देखें। इसकी उदाहरण इंटरव्यू में खुद पीएम मोदी द्वारा भी ली जा सकती है, जब वह कहते हैं कि अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना तो मोदी जी के काम से हमेशा नाखुश ही रहती हैं और वह अक्सर अपने ट्वीट्स और ब्लॉग्स में उनके बारे में लिखती रहती हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि अक्षय कुमार के विचार भी उनकी पत्नी के साथ मिलते जुलते हों। तो ऐसे में वह पीएम मोदी की इंटरव्यू लेने में कैसे दिलचस्पी रख सकते हैं? हो सकता है कि इसके लिए अक्षय कुमार को एक बड़ी रकम भी दी गई हो, या फिर खबरों की माने तो 2019 में आने वाली मूवीज को हर एक स्टेट में रिलीज करवाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंटरव्यू मजबूरी में ली है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। दुनिया भर की वायरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।